ओके तो सबका लेवल 2 का अटेनमेंट कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज और साथ में कुछ हेजिटेंट एनर्जीज जिनमें अभी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी। तो हम कोशिश करेंगे कि लेवल 2 करते करते हम लोग अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत अच्छे से वर्क करें। कोशिश करना है कि जब तक आपका लामा फेरा का कोर्स कंप्लीट हो, आपके जीवन में आप अपनी सब चक्रास पे इतने अच्छे से वर्क करें कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। मैटेरियली और वर्ल्डली तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद चेंज नहीं होंगी और ऐसे कैसे रहेंगी आपके आसपास के लोग, बट चेंज होता है कि हमारा एटीट्यूड, हम लोग उन चीजों से कैसे डील कर सकते हैं, हम उन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे उनको यूज करके, सही तरीके से यूज करके हर अपॉर्चुनिटी को, चाहे हमें लगे कि वो आज की तारीख में हमारे लिए बड़ी दुखदायी स्थिति है, बट अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हर एक सिचुएशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने एक ही काम किया दुनिया में, मालूम क्या? उनकी लाइफ में जो भी एडवर्सिटीज आई, जो भी मुश्किलें आई, जो भी दिक्कत आई, उन्होंने उसको सही तरीके से देखा, पॉजिटिव तरीके से देखा और उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करके आगे बढ़ गए। चक्कर ये होता है कि हम लोग हर चीज को देखते हैं कि डीमोटिवेटिंग है हमारे लिए, हमारे लिए हर्डल है, हम उसमें सही अपॉर्चुनिटी पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बिरले लोग होते हैं जो वो अपॉर्चुनिटी पहचानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एकदम से। सिर्फ नजरिया बदल लेना और साथ में अपने चक्रास पे वर्क कर लेना, फिर यूनिवर्स अपने आप से आपके लिए रास्ता बनाएगा। पहले चेंज आएगा इंटरनली, अंदर आएगा अपने, आपकी एक्सेप्टेंस इंक्रीज होगी वर्ल्ड के लिए। अभी तक हम क्या है, वर्ल्ड को कर्स करते हैं, ब्लेम करते हैं, ठीक है? एक्सेप्टेंस नहीं है हम में वर्ल्ड के लिए। ये ना दुनिया में सब लोग बहुत बुरे हैं, बहुत खराब हैं, कलयुग है, ये चल रहा है। इसी कलयुग को एक्सेप्ट करना है, इसी कलयुग को सत्युग सत्युग बनाना है। अपने अंदर तो सत्युग हो सकता है ना, बाहर जो मर्जी हो, अंदर जैसा हो जाएगा बाहर वो ही दुनिया रिफ्लेक्ट होगी। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमारे मुंह पे कंप्लेंट्स नहीं रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए गॉड का। मुझे जो आप लोगों के अटेनमेंट्स में फील हुआ वही बता रही हूँ। अभी भी बहुत सब कुछ दबा के बैठे हो, बहुत सब कुछ होल्ड करके बैठे हो। पता है आप लोग दुखों को छोड़ना ही नहीं चाहते एक्चुअली, इतनी मुट्ठी टाइट पकड़ा हुआ है ना, ऐसे लगता है इसको, इसी के सहारे तो जिंदगी चल रही है, इसको छोड़ दिया तो पता नहीं जिंदगी का क्या हो जाएगा। उन दुखों को बांध के पकड़ के बैठे हैं, छोड़ दो। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा भी है और कुछ बहुत अच्छे लोगों से सुना भी है, जब हम लोअर लेवल की चीजें छोड़ते हैं ना, तभी स्पेस बनता है हायर के लिए। और देखा भी है ऐसा, आप जैसे ही मतलब जिन चीजों में अटके हुए बंधे हुए हो ना, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे छूटेंगी ना, देखना जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स। जैसे मतलब सीधी बात है, ग्रजेस छोड़ देंगे तो अपने आप से रिलेशनशिप्स में मिठास आएगी ना, बड़ी हो गई ना ग्रज से, तो मिठास बहुत हायर हो गई। मतलब वाइब्रेशंस के लेवल पे भी जब बात करते हैं, अगर एक बाय चांस आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा हो, रेज योर वाइब्रेशन सीरीज में है, उसमें मैंने प्रॉपर वाइब्रेशंस शेयर की हैं।
कि जो भी सैडनेस होती है, ग्रीफ होती है, उनकी वाइब्रेशंस माइनस साइड होती हैं, 1 2 0 ऐसे होती हैं, ठीक है। और जो हैप्पीनेस है, जो ग्रेटिट्यूड है, उनकी वाइब्रेशंस होती है 200 300 हर्ट्ज, इतनी हायर होती हैं। मतलब उसका अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताते हैं, हमारी जो अर्थ है उसकी वाइब्रेशन है 27 हर्ट्ज, ठीक है। जो और जो अभी कोरोना वगैरह था उसकी वाइब्रेशन थी 25 हर्ट्स, ठीक है। तो जो भी लोग 25 हर्ट्स की वाइब्रेशन से नीचे थे, दे गॉट अफेक्टेड। लेकिन जो लोग उससे हायर वाइब्रेशंस में रहते थे, वो लोग नहीं अफेक्टेड, ठीक है। दिस वाज द बेसिक साइंस यूनिवर्सल लेवल पर अगर एक बार बात करें तो। एंड ये मैंने वीडियो उसी टाइम लाया था, एंड उसमें सारा ये आता है, प्रेयर्स सब 200 अबव है, ठीक है। प्रेयर्स, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, स्माइल, एवरीथिंग, ये सब चीजें 200 300 हर्ट्स के ऊपर जाती हैं। और जो भी आपका ग्रीफ है, सैडनेस है, पेन है, ये सब 0 1 2 इस लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ऐसी जगह की भी होती है, जो टेम्पल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस आपकी हायर साइड होती है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत पेन तकलीफ लोगों को होता है, उसकी वाइब्रेशंस लोअर साइड होती है। इसीलिए हॉस्पिटल्स में मंदिर बनाए जाते हैं, सो दैट उस प्लेस की वाइब्रेशंस हाई की जा सके और लोग हील हो सके, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग। अगर ये याद रहेगा तो कोशिश करेंगे कि हम लोग यही कोशिश करते हो ना, आपकी वाइब्रेशंस हायर साइड हो जाए, आप लोग लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाए, यही कोशिश है ना सारा जिंदगी का, और तो कोई कोशिश नहीं है। अब उसके लिए बस इतना सा करना है, स्माइल करो, हर रोज करवाती हूँ, स्माइल करो, खुश रहो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो। ग्रेटिट्यूड डायरेक्ट नहीं किसी को एक्सप्रेस करना, पाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करो। मुझे कोई भी अनजान भी कोई अच्छा लगता है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, कोई भी अनजान इंसान भी। आप लोगों ने मेरे से भी किसी ने एट रैंडम मेरे से कभी भी सुना होगा, कभी भी कह देंगे आपकी स्माइल अच्छी लग रही है, आज आप बहुत अलग ग्लो कर रहे हैं, आज बहुत आज क्या मतलब बहुत इनोसेंट लग रहे हैं, आपकी कुछ भी चीज, एनीथिंग, मतलब योर ड्रेस इज टू गुड, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं खुल के बोल देती हूँ, कहीं पर भी सोचती नहीं हूँ, कई बार अनजान लोगों को भी बोल देती हूँ, फेसबुक वगैरह पे कहीं कोई दिखता है अचानक से उसको मैसेज भेज देती हूँ, एंड उसके वजह से चुपचाप बैठ जाती हूँ। कोई आके बोले कि भैया चापलूसी कर रही है, चापलूसी नहीं कर रही है, मुझे अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ। भाई हम लोग अगर मान लो किसी को गुस्सा आता है, कितना फटाफट से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। किसी पे भी गुस्सा आ गया, किसी पे भी गुस्सा आ गया, सपोज किसी ने इंडिया के अगेंस्ट ही लिख दिया, रैंडम कोई भी इंडिया के अगेंस्ट लिख दिया, देखो कैसे ब्लास्ट करते हैं उसको। अगर कोई अच्छा लगा तो उसको अप्रिशिएट करने में क्यों फिर रुकते हैं हम लोग, है ना। हम सोचते हैं अनजान है, क्या अप्रिशिएट करना है, डू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनसे ना अपनी वाइब्रेशंस हायर होती हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, अपनी वाइब्रेशंस हायर साइड रखना है, और उससे ही आपकी लाइफ में अपने आप आपको अबंडेंस, सी अबंडेंस क्या है, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो हायर लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर। तो क्या है कि वो बिल्डिंग के अंदर आएगी नहीं, भीड़ भड़ाका लगता है, थोड़ा सा खुला स्पेस चाहिए होता है अबंडेंस को। भाई बड़ी चीज है तो बड़ी जगह चाहिए होगी ना, छोटी मोटी जगह में समाएगी नहीं, तो अपन क्या करें, अपन ही एनर्जेटिकली स्पिरिट के रूप में तो आप ऊपर जा ही सकते हो, ऐसा नहीं जा सकते, अभी तक पंख नहीं लगे हैं। मेडिटेशंस में करेंगे, ग्रैंड मास्टर लेवल में वो भी करेंगे, एस्ट्रल ट्रेवल भी करेंगे, व्हेन यू विल ट्रेवल, ठीक है। तो वो चीज, मतलब मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, बट टेक इट सीरियसली, ठीक है। पहले मैं बहुत सीरियसली रहती थी, बट फिर मुझे किसी ने बोला, एक स्वामी जी ने हमारे, डोंट टेक लाइफ सीरियस, लाइफ सीरियसली सीरियस। पहले मैं हमेशा सीरियस रहती थी, सो देन दीज पीपल टोल्ड मी लाइक कि भाई इतना सीरियसली सीरियस मत रहा करो लाइफ को, मतलब यू आर वेरी सिंसियर बट इतना भी सीरियसली सीरियस मत लो लाइफ को, तो थोड़ा सा हंसना बोलना सीखा अच्छा लगता है ना, हंसते रहना चाहिए। चलो देखिए अभी सबकी क्या क्या थे, थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि मतलब ये हमारी अटेनमेंट्स का मीनिंग क्या है ना।
किस तारीख की थी हमारी? सैटरडे संडे। सैटरडे संडे क्या तारीख थी? सेकेंड एंड थर्ड जुलाई। अच्छा, जुलाई में था ना। तो मुझसे तो शेयर किए थे ना एक्सपीरियंसेस, सबने ग्रुप पे भी लिखे थे। नहीं, यस यस मैम। चलो, नीलिमा जी के से शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली वाला तो मुझे मिल गया। हाँ मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी, पूरी कौन बोल रहे हैं? मानसी मेरा ना एक्चुअली ऑफ जी आपने टाइम चेंज कर दिया, 6:45 कर दिया है। पहले तो 7:30 होता था ना। बहुत हाँ पहले शुरू में था क्या 7:30? जी, क्योंकि नहीं, हाँ शुरू में 6:45 तो कभी भी नहीं था। अभी तो बहुत टाइम से 6:45 मुझे याद भी नहीं है, मैंने सेवन आपको थर्टी मैसेज किया था ना, मैं तो बहुत टाइम से आ ही नहीं पा रही हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरा अच्छा बहुत देर बाद खत्म होता है। मैं अभी भी एक्चुअली लॉग्ड इन ही हूँ, लेकिन अच्छा मुझे मुझे ज्वाइन करना था तो मैं आ गई। लेकिन मैं अभी भी हाँ ऑफिस का ही काम, साथ में दूसरा लैपटॉप भी खुला हुआ है। मैंने पूरा मुझे मतलब याद एक नहीं। महीना तो मैं सेवन आई। थर्टी ना, 7:30 शायद हमने फर्स्ट सेकंड डे कभी किया होगा, बट जहां तक मुझे याद है अभी 6:45 से ही चल रही है, क्योंकि आई एम टेकिंग 3 क्लासेस कंटिन्यूएशन में। तो अच्छा, 3 क्लासे मतलब भी 7:45 जैसे ही खत्म होगी, फिर 8:15 दूसरी शुरू होती है, ऐसे कंटिन्यूएशन में ही है 3 3 क्लासेस। एंड उसके बाद तो एक अभी अब वो 23 जुलाई से आएगा, एक और बैच है, वो रात को सारी ही रामा नहीं, फेरा की ही क्लासेस रेकी की भी है हैं। नहीं और वैसे भी नहीं, मैं सोच रही दूसरी। थी कि अगर वो लामा फेरा की है तो मैं उस वाले बैच में कूद जाती हूँ। नहीं, इसके बाद जो है वो प्योर इंग्लिश वाली है, आप कर सकते, मतलब वो कोई इश्यू नहीं है आई सारी। हाँ मैं वो कर लूंगी, क्योंकि ना उसका मैं टाइम है 8:15 to 9:15। मेरे लिए वो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। एक तो मेरा बेटा है 4 साल का, एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट, और मेरा हाँ ऑफिस होता है, तो मैं बहुत सारी ना जगल कर रही हाँ थी। वो तो एक तो इश्यू मैं नहीं है। लैपटॉप पे लॉग इन हूँ, अपने बेटे को खाना भी हाँ खिला रही हूँ, और मुझे आपको देखना था, मुझे आपको सुनना था। तो मैं आपको सुनती हूँ ना, तो मुझे वैसे ही मेरा दिन अच्छा जाता है। तो मैं कई बार सुबह 6 बजे उठ के आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही होती हूँ। नीलिमा जी, बाय मिस्टेक मैंने आपको वो निकाला होता तो वो बटन प्रेस हो गया था, उनको कॉल ही लग गया मैम सामने आप से एक बार ही। मुझे वो फिर इंग्लिश वाला लिंक भेज दें प्लीज बाद में। हाँ, अभी आप मुझे ना, ये क्लास फिनिश होगी तब आप मुझे एक बार मैसेज कर लेना जरूरी से, ताकि मैं भूल नहीं जाऊं, क्योंकि अभी क्लास के फ्लो में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फॉरगेट हाँ, नहीं मैं एवरीथिंग। आपको याद दिला दूंगी। थैंक यू। और 8:15 से वो क्लास है, और उसमें वो आपसे पीछे है बैच, ठीक है? उसमें अभी मैं अभी वो लेवल पीछे वन, हूँ। हाँ उसमें अभी लेवल वन की हीलिंग स्टार्ट होएगी। लेवल वन के सिर्फ सिंबल्स मैं भी बता वही दिया। करूँ, मैं भी बहुत पीछे हूँ। ये 1 महीना मैंने कुछ नहीं करा है। मैं 15-15 घंटे काम कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे उठ के क्लास आपकी रिकॉर्डिंग्स को सुनती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब दोनों में रहना, जैसे इसमें भी रह सकते हो, जैसे भी आपको लगे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज के लिए उसका बैच अलग किया है, और कोई इश्यू नहीं है, थैंक यू सो मच। क्योंकि हाँ, अरे इसमें थैंक यू क्या बता, हाउ डज इट मैटर टू मी। नहीं मैं मिस ठीक नहीं है, करना चाहती थी, और मतलब मैं बहुत, मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं बहुत बुरा फील कर रही थी। मैं एक्चुअली रोई भी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी चलो। अरे वेरी क्यूट बेबी। थैंक यू। चलो मानसी, फील कंफर्टेबल, पानी पी लो। हाँ जी। चलो, वी आर ऑल विद यू, सब लोग, मैं अकेले नहीं, सब लोग।
सबका लव, सबके ब्लेसिंग, सब लोग आपके साथ है. ओके, शी कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम, नो, वेयर एवर शी रिक्वायर्स एनी हेल्प. शी कैन कनेक्ट विद अस. लवली बात करने का मन करे तब भी सब चीजें जरूरी है कि हेल्प. देखो, हेल्प किसी को चाहिए नहीं होती है. मैं लाइक लेडीज की बात कर रही हूँ. पीपल थिंक दैट लेडीज नीड हेल्प. दे कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. कभी कभी बात करने के लिए, कभी कोई साथ में बैठने के लिए, कोई उनकी बात सुनने के लिए कभी चाहिए हो सकता है. कोई थोड़ी देर उनको समझ ले, बस इतना चाहिए हो सकता है. एक्चुअली में बस इतना ही चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता है. काम करते करते सोच रही होती हूँ बात करो, लेकिन मेरे पास बात करने का टाइम ही नहीं है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. अच्छा है, वर्क करते रहो, वो भी अच्छा है. है ना, ग्रेट. चलो, ओके. सो नीलिमा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. उनको हमेशा, एक तो उनके गोल्डन बुद्धा जी फिक्स है. फर्स्ट आई हैव टेकन द फर्स्ट अटेनमेंट सम टाइम बैक एंड आई फेल्ट द वाइट एनर्जी जस्ट लाइक लाइटनिंग एंटरिंग माई बॉडी थ्रू माई फीट एंड एनर्जी वॉज वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्राइट वाइट लाइट. माई हार्ट बीट्स वेरी फास्ट एंड देन आई सॉ अ गोल्डन बुद्धा एंटरिंग इन टू माई हार्ट फॉलोड बाई स्मॉल कृष्णा ऑफ अराउंड 5 years old. In total blue color, I was very calm and felt oneness with this. There was Om everywhere around me. I was in this state for more than 45 minutes. And second wala bhi main saath mein unka read kar deti hu. I visualized a big golden Buddha. Second wale mein unke Buddha ji zara bade ho gaye. Big golden Buddha sitting under the Bodhi tree and so many disciples around him chanting Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, पता नहीं आप लोगों के साथ किया या नहीं किया? नहीं किया. But it's it's a famous Buddhist mantra, ठीक है? And Buddhist ही नहीं, so Jainism में भी I remember years and years back, like in 2004. My husband was told to chant this mantra aur unka pura stotra tha, so he used to daily chant that and very powerful. Unse matlab jo bhi astrologer ne kisi ne unko bataya tha, unke matlab jainis ke alag kuch astrologer, matlab I'm not into all this, unke parents ne pata karke bataya tha. And then he was told to chant unka jo pura stotra pura paath hota jaisa to, and that was really very powerful. तो कभी कभी जैसे मतलब मुझे भी इंटरेस्ट रहता था, तो मैंने भी एक आधी बार पढ़ा था, पर बहुत नहीं पढ़ा था, है ना. सो इट्स पावरफुल, इट्स अ पावरफुल मंत्र. इसको सुनना भी बहुत अच्छा रहता है. आप यूट्यूब पे इसके बहुत वीडियोस मिल जाते हैं, ओम मणि पद्मे हम, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र. आप सुनोगे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप से हायर साइड चली जाती है, वेरी हायर. ओके, डिसाइपल्स अराउंड हिम चैंटिंग ओम मणि पद्मे हम. Then there was a bright golden yellow light which entered my body through crown chakra and moving all over the body just like a snake. My stomach was churning very fast. Finally, the light settled down in the heart chakra in the form of jyoti and everything was golden. आपके सभी experiences बहुत ज़्यादा पौराणिक, जो जितनी भी हमारी कथाएं और जितने भी हमारे वो हैं उनसे जुड़े होते हैं. इनके हमेशा ही मतलब देयर इज सम कनेक्शन आपका पौराणिक उससे. एंड जो भी ये एक्सपीरियंसेस थे, दैट मींस लाइक आपके अंदर कंपोजर, लाइक कम एक जिसको कहते हैं स्थिर प्रज्ञता, वो काफी घर कर रही है. आपके मन में बहुत ज्यादा शांति हो रही है. धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली जो एक कंपोज सी, वी ऑल आर ट्राइंग जस्ट टू रीच दैट कंपोज स्टेट, जहां पे मन अपने आप, मन और चित अपने आप से शांत हो जाते हैं. देन यू डू नॉट नीड एनी रीजन टू बी हैप्पी, यू जस्ट फील हैप्पी ऑल द टाइम्स. तब ढूंढना नहीं पड़ता, एफर्टलेसली हैप्पी हो जाते हो आप. यू डोंट नीड टू पुट इन एफर्ट्स, ठीक है.
तो वो वाली स्टेट आपकी एंड आपकी लाइफ में, मैंने आपको पहले भी एक आधी बार बताई कि आपकी लाइफ में नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल पाथ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ प्रोग्रेस ही इसी से करेगी। आप फाइनेंशियली कहो, आप किसी भी तरह से कहो, आपकी लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है। इफ आई रीड ईच एंड एवरी वर्ड, पता नहीं कितनी क्लासें निकल जाएंगी, मतलब अगर मैं आपको इसका बताना शुरू कर दूंगी। जो लाइटनिंग होती है, दैट इज द डायरेक्ट अटेनमेंट थ्रू द यूनिवर्स। लाइटनिंग के थ्रू जो यूनिवर्स से एक सीधी एनर्जी आती है, लाइटनिंग इज द इंस्टेंट एनर्जी जो आती है, ठीक है, यूनिवर्स से वेरी पावरफुल। इनफैक्ट ये चीज मैं जो रेकी में हमारे अटेनमेंट्स होते हैं उसमें यूज भी करती हूँ, आई अटेन देम थ्रू द लाइटनिंग्स, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइक यूनिवर्स को ही बोलती हूँ, वो लाइटनिंग के थ्रू अट्यून होते हैं, लाइक डॉक्टर मिकाउस से ही वॉज अट्यून द सेम वे, ठीक है, वो होता है। एंड जो भी आपके व्हाइट लाइट है, गोल्डन लाइट है, वो सभी चीजें आपकी प्योरिटी, आपका जो भी मतलब इनोसेंस है, सोल की जो इनोसेंस है उसको डिनोट करती है। जो येलो लाइट आपने एक बोला, दैट शोज योर विल पावर, किसकी होती है, सोलर प्लेक्सस की येलो लाइट, ठीक है, आपकी विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस दैट यू विल नॉट ब्रेक डाउन एट एनी मोमेंट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। गोल्डन लाइट इज द डिवाइन यूनिवर्सल लाइट। गोल्डन लाइट और व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ज्यादा प्योरिटी का होता है, गोल्डन लाइट डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी होती है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी होती है। गोल्डन एंड व्हाइट बोथ आर फॉर प्योरिटी एंड डिविनिटी। व्हाइट को ज्यादा प्योरिटी से और सोल से कनेक्ट किया जाता है, एंड गोल्डन लाइट डायरेक्ट डिवाइन की होती है, ठीक है। सोल की प्योरिटी व्हाइट लाइट, और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है व्हाइट लाइट, डायरेक्ट डिवाइन की गोल्डन लाइट को माना जाता है, ठीक है। एंड देन आपने कुछ कहीं पर ब्लू, हाँ, कृष्णा काटा है ना, तो वो कृष्णा के डिवोटी हैं, एंड इसीलिए उनको हमेशा मतलब कृष्णा का साथ में शिवा का भी उनका रहता है, ठीक है। दैट स्नेक इज ऑफ शिवा एंड द चर्निंग, दैट इज द इटर्नल चर्निंग, जो वो चर्निंग थी दैट इज द इटर्नल चर्निंग। अगर आप लोगों ने कहानी सुनी हो, जो देवताओं और दैत्यों के मध्य युद्ध हुआ था अमृत को लेकर, ठीक है, और अमृत कैसे निकला था, समुन्द्र को जो वो मेरु पर्वत को ऐसा वासुकी नाग की वो रस्सी बनाकर ऐसे वो जो जैसे मक्खन निकालते हैं ना ऐसा करते हैं, एंड दैट थिंग वॉज डन, तो दैट इज कॉल्ड चर्निंग। जब ऐसे मक्खन बनाने के लिए वो गोल गोल घुमाते हैं ऐसा मधानी, मतलब दैट थिंग यू मूव ना, तो That thing is churning. Basically, that churning is positivity or negativity का, जो universe like world में reality और unreal का, ठीक है, वो जो churning चल रही है, वो जो आपके अंदर चल रहा है कि spiritual path के आगे जाना है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना है, actual like पूरा बिल्कुल soul purpose वो है, तो वो churning पूरा का पूरा चल रहा था, and मतलब वही churning अभी आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। एंड धीरे 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 क्या है कि उस जो चर्निंग का मैं हमेशा ही आपको बताया ना कि हमारे यूनिवर्स के साथ मतलब हार्ट चक्र के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उस चर्निंग से जो नॉलेज की लाइट निकली, अमृत हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो नॉलेज है ना, अमृत है ना, तो वो जो अमृत निकला सीधा आकर यूनिवर्स से आपके हार्ट चक्र में समा गया। सीधा बात है, स्पिरिचुअलिटी पकड़ लो, बस उसका हाथ थाम के चलते रहो, नथिंग एल्स फॉर यू। मैंने हमेशा आपको यही बात बताई है, टोटल सरेंडर में अभी आपका कंपोजर पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा है ना, आपका जो सरेंडर है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और वैसे ही आपको और मतलब इस मोर टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, जो बोधि वृक्ष का नजर आना है ना, वो ज्योति का, जो चर्निंग का, दैट लाइक जो इटर्नल प्रोसेसेस है ना यूनिवर्स की, उनका नजर आना, वो सब चीजें मतलब आपके डायरेक्ट की आप एनलाइटनमेंट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जिसके तरह सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, दैट इज अबाउट दिस वन ओनली। और कुछ आपने शायद स्नेक के बारे में कुछ लिखा था,
डिवाइन ब्लेसिंग्स तो ही है. हाँ, स्नेक का लिखा था ना आपने, मूविंग ऑल ओवर द बॉडी जस्ट लाइक अ स्नेक. ठीक है, तो जो आपके बॉडी के चारों तरफ, मतलब आपको वो शिवजी वाला, मुझे उससे सीधा ही शिवजी से कनेक्ट नजर आता है. ठीक है, जो शिवजी का वो है कि स्नेक से रहता है, नाक का जैसे उनके गले में रहता है, सेम वे. एंड चर्निंग और स्नेक का भी एक नाता है. चर्निंग जो हुई थी ना, वो उसने मेरु पर्वत को यूज किया था, तो जो रस्सियां बनाई थी दैट वाज वास्तु की नाग. सो दैट चर्निंग इज हैपनिंग हियर एंड दैट नाग, वो जो रस्सी है अराउंड योर बॉडी, है ना. तो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो जो लाइट निकली, फिर अमृत निकल के आपके हार्ट में समा गया. सो इट्स too much associated with the eternal processes. So those connections are getting developed. And Bodhi Vriksh, Bhagwan Buddha ka that knowledge, matlab you are on the path, matlab ye khud se cheeze hoti hai. Ki Bhagwan Buddha ne aapko khud se choose kiya hua hai, wo khud se aapko knowledge dena chahate hai, aapko pakad ke yahan par lekar aaye hai. Aur matlab your path is very much clear. This, jisko kehte hai life purpose, soul purpose. Knowledge and salvation, your life and soul purpose, just keep moving on that. Baki sab cheeze yahan pe doesn't matter. Thank you so very much. Maybe matlab that is how we are connected. Haan, aur dekho kitna bhi kisi ko bhi chahiye ho, but matlab aapka kaisa bhi kuch bhi rahe, kabhi bhi usme financial cheeze aur materialistic cheeze nahi aati aapke experiences mein. To वो पर्पस भी नहीं है, है ना. पर्पस सीधा सीधा नॉलेज और सॉल्वेशन है. ठीक है, तो वो चीज है. फिर उसके बाद था इंदु जी ने लिखा था, उनका हेड काफी हैवी हो गया था लेफ्ट साइड से स्पेशली, और मुझे थोड़े बहुत कलर्स नजर आए. थैंक यू सो मच, अटेनमेंट का एक्सपीरियंस है. हाँ, तो इंदु जी का क्या था कि उनको हेड काफी हैवी फील हो रहा था, बिकॉज कुछ चीजें हैं इंदु जी जो अभी अपने भी डिस्कशंस हो चुके काफी चीजों पे, जब धीरे धीरे ये चीजें लेट गो हो जाएंगी तो ये हैवीनेस भी अपने आप से खत्म हो जाएंगे. थोड़ा दिल से चीजों को उठाइए, आगे बढ़िए. हम लोग ऑलरेडी काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, है ना. एंड कलर्स जो है पॉजिटिविटी के और होप के प्रतीक होते हैं. So that thing is going to soon happen. हम लोग उस मतलब personally वो काफी discuss कर चुके हैं ना, आपको पता ही है. परविंदर जी का पहले भी शायद ऐसा ही था experience. परविंदर जी ने लिखा है कि याचना जी रोजाना ध्यान में, और इसमें कोई अंतर नहीं लग रहा, रोजाना ही ध्यान करता हूँ तो भी वहीं से ग्रेस आती है. माफी चाहता हूँ, मुझे रोज में के ध्यान में और इसमें कोई अंतर नहीं मिला. इसमें माफी की कोई बात नहीं है परविंदर जी. मैंने हमेशा कहा, देखो क्या होता है कि कोई जो शुरू करते हैं अपन, तो किसी के लिए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, लेकिन जब हम लोग बहुत लंबे समय से मैं जब बिगनिंग में मेरे को अटेनमेंट्स मिलती थी, जब मैंने बहुत शुरू में शुरू किया था रेकी, मैंने रेकी से शुरू किया था. ठीक है, पता नहीं कितनी सैकड़ों, मैं इतनी जगह से रेकी सीख चुकी हूँ, इतनी जगह से लामा फेरा सीख चुकी हूँ, पता ही नहीं कितनी कितनी अटेनमेंट्स. मतलब मैं कोई जगह छोड़ती नहीं, कोई टीचर नहीं छोड़ती हूँ. तो शुरू में होते थे एक्सपीरियंसेस, फील होते थे, बट फिर क्या होता है कि जब आप अंदर से कंपोज रहना शुरू हो जाते, तो कई बार कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि हर टाइम में आप उसके सरेंडर में चल रहे हो, तो उसके सिवाय कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. वो एक्सपीरियंस आप पहले से ही फील कर रहे होते हो.
तो फिर वो नहीं भी होता अलग से, तो सेम चीज मतलब उस टाइम की वाइब्रेशंस आपके हर टाइम आप उसी में रहते, तो इसमें मतलब अलग से होना कोई जरूरी नहीं है, है ना? एंड इससे माफी भी मांगना कोई जरूरी नहीं है, इट्स ओके. मतलब कुछ लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता, मतलब वो वाला भी फील नहीं होता जो जैसे आपका तो है कि आपका डेली के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मतलब कुछ को बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता है. मुझे पता नहीं कितने कितने समय के बाद फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी, मतलब आई वॉज क्वाइट लो ऑन फीलिंग्स एंड पर्पल कलर तो मुझे कभी नजर ही नहीं आता था. तो बहुत सारी चीजें होती है, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, विद टाइम वो हो जाते हैं. और अगर आपका तो पहले भी ऐसे ही था कि मतलब आपको जो शांति उसमें मिलती है जब आप रहते ही उसी फीलिंग में है, तो उससे अलग तो क्या होगा, है ना? सो दिस इज फॉर पीस. एंड मे बी मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका अट्यूनमेंट के टाइम भी आपने कोई पर्पस भी नहीं रखा होगा, जी मैम, मतलब बिल्कुल मुझे. हाँ जी जी, मैंने कोई पर्पस नहीं रखा। हाँ, वो क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मतलब अभी कई बार ना मुझे क्लासेस में एग्जाम्पल देना मुश्किल हो जाता है. जब कहीं पर एग्जाम्पल देना होता है ना कि कोई एफर्मेशन, चलो ये एफर्मेशन लेके चलते, तो मैं सोचती हूँ क्या एफर्मेशन रखें कि जिसको पाना है. मतलब जब हम लोग कंटेंट रहते हैं ना लाइफ से, तो फिर पाने के लिए भी कोई एफर्मेशन नहीं रहती, तो बस वो फिर ईश्वर तक का बस एक अनुभव सा रहता है, ग्रेस जिसको आप कह रहे हो. एंड दैट इज वेरी मच फाइन. फाइन क्या अच्छा है, एंड उसी भाव में रहना चाहिए, वही अच्छा लगता है. मतलब अलग के लिए तो कुछ डिजायर की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, इट्स ओके. अच्छा है आपका, है थैंक ना? यू जब मैम। डेली मेडिटेशंस करते हैं तो ऐसे ही होता है, और वो कोई इच्छा आती भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे लगता है सब कुछ तो है, क्या चाहिए. और चाहिए मांगने से ऐसे लगता है कि बहुत छोटी चीज मांग ली. जो तो अभी विचार भी चल रहे होते हैं तो यूनिवर्स वो रीड करता है और वो मांगने की जरूरत रहती नहीं। हाँ, वो अपने आप से जो चीज आपके लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होगी वो चीजें अपने आप से, मतलब सेम वे आई ऑल्सो फील, वो अपने आप से ही चलता रहता है. मतलब आई जस्ट एंजॉय लाइफ जैसी भी, मतलब कभी दुख तकलीफ भी आता तो मैं बस यही उसको एंजॉय करते हैं, एक तरह से देखते हैं पास हो जाएगा, अभी निकल जाएगा, और मतलब चीजें निकल भी जाती हैं. मतलब अब तो ऐसे लगता है कि आंखों के सामने से निकल के जा रही है लाइफ, यहाँ नहीं बीत रही है, यहाँ भी जा रही है बस सामने से. सो इट्स लाइक पूरा जैसे साक्षी भाव होता है ना, उस तरह के भाव में आ जाते हैं. तो अच्छा है, बहुत अच्छा है. थैंक यू जी, थैंक वो कंपोजर वैसे आपके चेहरे पे दिखता भी यू मैम। है. चलिए, और उसके बाद था, दीक्षिता जी ने लिखा था कि उन्होंने दोनों अटेनमेंट्स ले लिए हैं, बाकी कुछ शेयर नहीं किया था. रोहित जी ने भी कुछ शेयर नहीं किया था, मतलब उन्होंने बस कंफर्म किया था. श्वेता जी ने लिखा है, माई एक्सपीरियंस वॉज ऑफ दिस अटेनमेंट, फर्स्ट डे अटेनमेंट आई फेल्ट स्लीप, नेक्स्ट टू डे टुडे आई सो स्काई एंड नंबर्स एंड सो द रेनबो कलर्स. स्काई का मतलब है खुला आसमान, मतलब आपका जो माइंड है वो एक्सपैंड हो रहा है. पहले कुछ लिमिटेड बिलीफ्स में अटका हुआ था, अब उसका एक्सपेंशन हो रहा है. आप उन चीजों से ऊपर उठ के खुला सोच पा रहे हैं, खुले आसमान की तरफ देख पा रहे हैं. नंबर्स डिनोट करते हैं समय को, समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है मैम, और आएगा भी. 9 नंबर हाँ जी और 7 नंबर, ये काफी बार शो होते हैं, काफी बार मुझे 9 नंबर, 999। 9 नंबर होता है कंप्लीशन का नंबर होता है, साइकिल्स होते हैं यूनिवर्स के, और 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का. आपके लिए स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ, एंड 9 नंबर जो है कंप्लीशन का पाथ होता है, ठीक है? कंप्लीशन 9 नंबर दिखने का मतलब होता है कि बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली. 9 के बाद 1 आता है, ठीक है? 1 आता है, तो जब 9 दिख रहा है इसका मतलब ये है कि ये समय अगर 9 का चल रहा है तो जल्दी ही 1 आने वाला है. 9 नंबर जब नजर आता है तब हमें पेशेंस के साथ, 9 नंबर में हमें प्रीवियस जितने भी कर्मास होते हैं उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं.
ठीक है, तो पेशेंस के साथ उस टाइम को सरेंडर में बिताना चाहिए और साथ में अपने आप को तैयार करना चाहिए नई बिगिनिंग्स के लिए। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, जो प्लानिंग्स चाहिए, अभी अगर कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा, थिंक अबाउट फ्यूचर, आप आगे क्या करना चाहते हो, उसको प्लान करो, उसके जर्नल्स लाइक लिखो, उसको पूरा प्रॉपर लिखो, आगे के लिए तैयारी करो। और उसके लिए अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, जितनी पॉजिटिविटी चाहिए, मेडिटेशन के थ्रू, बाकी सब प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने आप को तैयार करो। आप 9 नंबर मतलब ये साइकिल कंप्लीट होना है वाला है, लेकिन नए साइकिल में अच्छी एनर्जी के साथ जाने के लिए आपको खुद को तैयार करना जी, जितना समय हो सके खुद के इंटरनल ग्रूमिंग के लिए, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी विल पावर, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए लगा दीजिए। जितना समय हो सके मेडिटेशन और अपने चक्रास की पूरी हीलिंग, सब चीजें अपने आप को तैयार कर लीजिए एक नई बिगिनिंग के लिए। मैम एट दिस टाइम ये हो रहा है कि चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं मेरे साथ, चैलेंजेस मतलब मैं, मुझे लगता है अब मुझे पेशेंस नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर रही हूँ, पर फिर मैं रुक जाती हूँ कि नहीं अभी रुकू मैं, पर उसको संभालना मुश्किल हो रहा है मुझे अब, मतलब डिप्रेशन भी हो रहा है पर मैं चुप हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, अंदर से हलचल है बहुत। रेनबो कलर्स, होप, आपके 7 चक्रास, अभी आपको मैंने बताया आप 7 चक्रास की हीलिंग्स, आपको मेडिटेशंस है ना, और कुछ ना कुछ मतलब अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी प्लानिंग्स मतलब वैसे भी वर्क वाइज भी आप प्लान कीजिए आपको आगे क्या करना है, जो चीजें करनी है उसके लिए क्या वर्क रिक्वायर्ड है, क्या फ्रेमवर्क चाहिए, सब चीजें प्लान कीजिए। अभी अगर नहीं भी हो पा रहा तो जब आप चक्रास की हीलिंग करोगे उसके रास्ते अपने आप से खुलेंगे, लेकिन उन रास्तों तक चलने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी वो रास्ते पे चलने के लिए आप तैयार हो गए। कुकून होता है ना वो तितली का, जब तक वो नाजुक होती है अंदर रहती है, उसका वो कुकून तभी खुलता है जब वो इतनी स्ट्रांग होते हैं, उसके पंखों में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया में उड़ सके। जब तक वो उड़ नहीं सकती, उसके पंख इतने स्ट्रांग नहीं रहे, तब तक वो कुकून भी नहीं खुलता है। नेचर को देखो, समझो, आपको भी ये जब तक आपका 9 नंबर फेज चल रहा है, ठीक है, अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए मैंने कहा 9 नंबर को पेशेंस के साथ, ये फेज है, ठीक है, 9 नंबर को पेशेंस के साथ पास करना होता है। इसमें हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स का मतलब है कि पिछले लाइफ में मतलब पिछले सालों में जो भी आपने किया है, एटलीस्ट पिछले 8 सालों में उसका रिजल्ट मिलता है। उसका रिजल्ट कैसा भी हो सकता है किसी के लिए भी, इसको कहते हैं कि ये टाइम ऐसा होता है जो किसी का भी बैंड बजा सकता है। सच में मतलब ये हम लोग न्यूमेरोलॉजी में ऐसा बोलते हैं, किसी का भी बैंड बजा सकता है। तो इस समय क्या करना चाहिए, इस समय मैक्सिमम टाइम मेडिटेट करना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल आपको वाकई में बता रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम टाइम मेडिटेट करना चाहिए और इस टाइम को बिल्कुल पेशेंस के साथ पास करना चाहिए जी। बिल्कुल पेशेंस, अब जो ये गिव अप नहीं, तैयार करना है खुद को, आपको विल पावर स्ट्रांग करनी है। हाँ मैम, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती आ जाती है कि लगता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं पेशेंस बहुत रखती हूँ, बहुत साइलेंट हूँ। उस दिन सो जाइए, जिस दिन बस हो जाए, बहुत हो जाए, तब सो जाइए, और अगले दिन जब सुबह उठेंगे तब आप बाउंस बैक कर चुके होंगे। मैं मतलब सीरियसली कह रही हूँ श्वेता, अभी दो मैंने भी इस क्लास के शुरू में भी बोला था हम लोग इसको कि बस हो गई मेरी ये जो चीज है ना, ये वाली फीलिंग होल्ड करके रखी हुई है, छोड़ दो इसको, अब बस नहीं, आपका फोकस इसको नहीं देखना कि बस हो गई और ये सिचुएशन, आपको क्या करना है, आपको अब देखना है, आपकी नजर वहां होगी तो ये दिखेगा ही नहीं ना। आप नजर आगे रखो कि आगे मुझे जीवन में क्या करना है, उसकी प्लानिंग, उसकी तैयारी, उसके लिए इनर ग्रूमिंग। बट क्या माइंड माइंड ब्लॉक हो जाता है, अभी जैसे 2-3 दिन से डिप्रेशन ऐसा था कि मैंने मेडिटेशन ये सब कुछ मतलब बंद कर दिया, मैं डिप्रेशन में आ गई कि नहीं, फिर मुझे एकदम से क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे इस
फिर से सब कुछ करना है, ये मैं ही क्या कर रही हूँ अपने साथ। फिर मैं नॉर्मल हो गई, नॉर्मल होती गई, अपने आप स्माइल आ गई, फिर एकदम अपने आप। 2-3 दिन से डिप्रेशन में थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। ये अटेंडमेंट लेने के बाद काफी डिप्रेशन में आ गई थी मैं 2 दिन। क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी, ब्लॉक था माइंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर से निकल के आता है, बाउंस बैक हुआ ना, अंदर से निकल के आते हैं। वो दबी हुई चीजें ना अंदर से बाहर निकल रही हैं, और उसके बाद बस आपको, अब अपन सब बड़े लोग हैं, है ना, बड़े लोग हैं हम लोग, समझ सकते हैं। आपको पता चल रहा था ना कि आपको ये समझ आया कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, हाँ, ये समझ आया। सेम हाँ, वे अब क्या करना है, इनको शिफ्ट करना है, ठीक है। जब भी आपको आए, मैंने क्या कहा क्लास के बिगिनिंग में, हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको। जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, पिछले याद आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान करना है कि मुझे इसमें नहीं अटकना है, मुझे आगे का देखना और आगे का सोचना है। और अभी क्यों नहीं आप उसमें से निकल पाते हो, क्यों अटक जाते हो, अभी तक आपके पास आगे के लिए प्लान तैयार नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है आपके पास आगे के लिए, नहीं आगे कर, मुझे कुछ समझ नहीं नहीं है, आता, कुछ नहीं मुझे पता है। मेरा रास्ता नहीं पता। पेपर पेन लो हर रोज, जो उसमें समझ आए आप आगे क्या करना चाहते हो, जो भी मतलब पॉसिबल है या नहीं वो नहीं देखना, आप करना क्या चाहते हो उसको लिखो। एफर्मेशंस लिखते हैं ना जैसे, ऐसे आपने लिखने हैं सारी चीजें, प्लान उसकी कैसे काम होगा, कैसे होगा, सब चीजें प्लान करके रखो। और उसके लिए कैसी श्वेता चाहिए, ये वाली श्वेता नहीं, उतने कामों को करने के लिए श्वेता कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए वो आपको लिखना है, और वैसी श्वेता बनना है। जो कहते हैं ना वर्जन 2.0। मैम ये फीलिंग तो मुझे आती है कि मैं अब पहले जैसी तो हूँ नहीं, वो तो मैं गई, अब वापस नहीं आना। चेंजेस तो बहुत है, पर पूरी तरीके से मैं चेंज नहीं हूँ अभी, लगता है कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है, पर रास्ता नहीं पता मैम मुझे। बाकी है ना, रास्ता कहाँ से, आपका गोल ही नहीं सेट किया तो रास्ता कहाँ से आएगा। मैं सोचती तो हूँ कि हाँ ऐसा मैनिफेस्ट करती हूँ, बट मुझे सब कुछ ब्लाइंड है, कहाँ चलना है, किस रास्ते पे जाना है मुझे नहीं पता। मुझे मतलब क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ आता। मेडिटेट करो, चुपचाप बैठ के सांसों पर ध्यान दो, और एक इंटेंशन रखो कि यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो कि मेरा क्या रास्ता होगा आगे। और उस समय जो भी इंट्यूशन आए, अगर आज सिर्फ आधा घंटा बैठे कुछ नहीं ध्यान में, कोई बात नहीं, ये नहीं कि आज कुछ नहीं आया, नेक्स्ट डे फिर जब बैठो सेम, चाहे आपको 50 दिन ये करना पड़े तो 50 दिन करो, शांति से बैठो, उस टाइम कोई एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, आप बैठ रहे हो शांति से, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, यूनिवर्स में एक इंटेंशन कि प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मुझे आगे कैसे रास्ते पर चलना है। मतलब 50 दिन तो मैं कह रही हूँ आपको, 2-4 दिन में ही अपने रास्ता, जो भी आपको उस टाइम ग्लिम्प्स आएगी, जो भी थॉट आएगा ईश्वर का, उसको समझ के आप उसको मान लेना, एंड साथ में उसके बाद आप उसको मान के और उस रास्ते पर चलना है, फिर बाद में इफ्स एंड बट्स नहीं होते। जब सरेंडर होता है तब टूटता नहीं है इंसान। सरेंडर का मतलब है कि ईश्वर आपने अगर दुख दर्द भी दिया है कोई, तो जरूर मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए दिया होगा। ओके मैम, उसको सरेंडर कहते हैं, उस पर विश्वास करना सीखो, वो जो भी कर रहा है आपके भले के लिए और आपके आगे का रास्ता अच्छा बनाने के लिए कर रहा है। यस मैम, जो भी इंसान मुश्किलों में से गुजरता है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। यस मैम, और एक जैसे ना काला घोड़ा कहते हैं, रेस का काला घोड़ा होता है, वो काले घोड़े की खास बात ये होती है वो खड़ा रहता है लेकिन जब चलता है तो ऐसा चलता है कि सबको पीछे छोड़ देता है, उसको कहते हैं ब्लैक हॉर्स इन रेस, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे ही, एक बैम्बू ट्री के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, तो बैम्बू ट्री क्या होता है, जब उसको उगाते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक उसका ऊपर बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, वो पहले क्या है अंदर जड़े जड़े स्ट्रॉन्ग डीप कर रहा होता है, और उसके बाद फिर जब मतलब कई बार सालों तक, 2-3 साल तक वो अपनी मर्जी से बाहर निकलता है, ठीक है।
दो दो तीन तीन साल तक भी बाहर कुछ भी नहीं, लोगों को लगता है नहीं, लेकिन अब जो लोग इस चीज में वाकिफ होते हैं उनको पता होता है कि ये किस ने किस दिन जरूर आएगा। वो नीचे बहुत डीप स्ट्रॉन्ग जड़े करता रहता है अपनी, फिर जब बाहर निकलता है फिर एकदम से बढ़ता है। जब बाहर निकलता है 2-3 साल के बाद तो एकदम से बढ़ता है, क्योंकि तब उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। तो जितना भी समय आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो जब खड़े हो अपनी जड़ें मजबूत करो। जी उसके बाद पता क्या होता है, जब उसकी जड़ें मजबूत होती है फिर कोई आंधी तूफान आता है, बेम्बो ट्री वो पतला सा डंडा होता है जो गिरता नहीं है, कितने ही तूफान आते हैं वो गिरता नहीं है। बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं ना, बैम्बू ट्री नहीं गिरता ऐसे। तो अभी क्या है कि जब तक आप यहाँ पर हो, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो अपने ऊपर वर्क करते रहो। जिंदगी में बहुत कम समय ऐसा मिलता है जब हम स्टेबिलिटी के साथ एक जगह खड़े रहते हैं। जिंदगी भागती रहती है, थॉट्स, जिंदगी, सब कुछ भागता रहता है, तब हमें खुद को ग्रूम करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। कहीं पर हो, एक जगह हो, तो पूरा टाइम रादर देन थिंकिंग कि गलत हो रहा है, ये हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स के, पूरा का पूरा मेडिटेशन में अपनी इनर ग्रूमिंग, अपने चक्रास की हीलिंग पे लगा दो जी पूरा। मतलब यूं समझ लो कि एक फौलाद तैयार हो रहा है। जी एंड सीरियसली, मतलब फिल्में देखो थोड़ी सी पुरानी, अमिताभ बच्चन की फिल्में देखो ज्यादा उसकी फिल्में में मैम फौलाद। वो तो है मैम, बट कभी कभी लगता है कि अब बस बहुत हो गया। मतलब डिप्रेशन तो आता है पर मैं अरे निकाल बहुत लेती हूँ हो खुद गए, को। तब जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, मैंने कहा ना आगे का प्लान करो, आगे के यस बारे में मैम सोचोगे तो बहुत हो गया, तो कहाँ ध्यान रहेगा, कहाँ जी मैम बहुत हो गया, क्या बहुत हो गया, कितनी प्लानिंग कर ली आपने आगे की जो बहुत हो गई। काम तो भी बाकी है ना, बहुत तो हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ, करो उसको। ओके मैंने कहा ना शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, शिफ्ट योर अटेंशन, इधर से उठाकर उसको पास्ट से उठा के फ्यूचर में लगाओ। जी दिमाग है, चल रहा है, उसको चलाओ, लेकिन फ्यूचर डायरेक्शन में चलाओ। ओके बहुत हो गया पास्ट के बारे में, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। हाँ, वही एनर्जी शायद रिपीट हो रही है पास्ट की, उसी के कारण इतना डिप्रेशन आ रहा है, आ जाता है कभी तो कभी। छोड़ दो ना उसको, वहीं पे ड्रॉप कर दो, आप पूरा का पूरा ध्यान फ्यूचर पे लगाओ। उसकी प्लानिंग्स लिखो, करो, जब सपने दिखेंगे तभी पूरे होंगे ना। जी आप तो पीछे के जो कोई भी चीजें हैं उनको पकड़ के बैठे हो, आपको आगे के सपने देखोगे तभी तो आगे के पूरे होंगे ना, यस मैम, है ना, उस चीज पे। ठीक है, थैंक यू मैम। प्रीति जी कह रहे हैं कि उनको भी केवल व्हाइट कलर ही दिखा, बाकी ध्यान लगा था, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स थी, है ना। व्हाइट कलर वही प्योरिटी का है, बॉडी रिलैक्स थी, कंपोजर, धीरे धीरे आपका काफी बिल्डअप हो रहा है। अभी आप जो पहले थे उससे टोटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, और आप भी आगे के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन पे अपना समय लगाइए। जब भी आपको पॉसिबल हो मेडिटेशन पे समय लगाइए, और लाइफ में सब कुछ अपने आप से बहुत अच्छा और बहुत सेट होता चला जाएगा। आशुतोष, फर्स्ट डे स्लीप, सेकेंड डे आई सो बुद्धा एंड देयर टीम एंड फील रिलैक्स, बोथ हैंड्स पाम टेम्परेचर आर वेरी हाई। वो हीलिंग्स का आपका है, आप इतनी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो आशुतोष। और जो स्लीप होती है दैट इज एन ऑटोमेटिक हीलिंग, रिलैक्सेशन होता है उससे। ठीक है, हमारा माइंड बहुत चीजें कैरी करके चलता है, तो सबसे पहला कभी भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं, बिगिनिंग में बहुत लोगों के साथ होता है, वो लोग शुरू में सोते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ सोने का कोटा पूरा होने दो। सोना इज नॉट ओनली बॉडी का सोना, वो माइंड को भी रिलैक्सेशन मिलता है, माइंड को पॉज मिलता है ना। माइंड के लिए पॉज बहुत जरूरी होता है, इसीलिए भगवान ने बनाया भी है कि हम लोग कुछ समय सोते हैं। जब भी कोई लोग डीप प्रैक्टिसेस में, ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में भी ऑलमोस्ट सोने जैसी स्थिति हो जाती है ना, जब थोड़ा बहुत अवेयरनेस रहती है और बाकी सारी अवेयरनेस चली जाती है।
सब सोना इज एन ऑटोमेटिक हीलिंग एंड बाद में मतलब वही है कि आपके लिए भी पाथ है, नॉलेज का पाथ है, वो रास्ता दिख रहा है, सुबुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो एंड ये बात आई है तो आशुतोष आप सुन रहे हो, क्लास में हो तो भी और नहीं भी सुन रहे हो बाद में भी हो तो सुन रहा ओके यू आर देयर, ठीक है। आशुतोष बुद्धम शरणम गच्छामि मंत्र आप डेली करोगे मिनिमम 21 टाइम्स, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई डोंट नो मतलब दिस केम थ्रू इंट्यूशन, तो आपको ये करना है 21 टाइम्स डेली करो, ठीक है। चलो ग्रेट नाइस। रोहित जी वाज रिलैक्स्ड वेरी नाइस एंड समिता जी का नॉर्मल था, नीलिमा जी का हो गया और स्वाति जी ने लिखा है आज I took my first attunement on Saturday evening 5:50 p.m. and I was going deep in the meditation while lying down. Suddenly felt a shock and my body went in deep sleep after that and slowly came to senses as the 35 minutes were about to complete. Then the second attunement on Sunday, I felt exactly same but this time no shock, just my body went in deep sleep. But after both attunements, I felt that all negativity that I used to feel an evil eye and all left my body completely. Okay. जो शॉक होता है किसी को भी लगते हो, मतलब मेडिटेशन में भी ऐसा बहुत बार होता होगा किसी के साथ, जैसे मेडिटेशन जब करते हैं बैठ के चक्रस की हीलिंग, जब साउंड मेडिटेशन करते हैं तब भी बहुत होता है, शुरू में नहीं होता, जब कुछ समय के बाद क्या होते हैं अचानक से ऐसा लगता है बॉडी में कोई झटका सा लग रहा है, शॉक से लग रहा है। वो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे पार्ट्स जो अभी तक सोते होते हैं, जब वो जागृत होते हैं एक्टिवेट होते हैं उस टाइम बॉडी को शॉक लगता है, ठीक है, एकदम से मतलब इट्स रियल, बिल्कुल एकदम शॉक जैसा होता है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि बिल्कुल एकदम शॉक टाइप का लगता है। तो वो होता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे पार्ट्स जो सो रहे होते हैं, मतलब जो एक्टिवेट होते हैं, जागृत होने शुरू होते हैं, तब ये शॉक्स लगते हैं, ठीक है। एंड दैट इज वेरी गुड, आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पार्ट्स जागृत हो रहे हैं, बहुत अच्छी निशानी होती है, ठीक है। सब जिनको भी मेडिटेशन में ऐसा फील होता है ये बहुत अच्छी निशानी होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जागृत हो रही होती है, टोटल कॉन्शियसनेस के साथ हमारा कनेक्शन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है। एंड रिलैक्सेशन ऑब्वियसली यू नीड, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सो, ठीक है। तो वो अच्छा है एंड शॉक मतलब सेकेंड टाइम जैसे वो फिर हर बार जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो उसी के लिए था कि जब भी हमारा कोई सबकॉन्शियस माइंड का कोई पार्ट जागृत होता है एक्टिवेट होता है दैट टाइम दैट शॉक हैपन्स, है ना। And मतलब it's good, आपका माइंड जो भी है इन attunements के थ्रू रिलैक्स कर रहा था, इसीलिए आपको नींद आ रही थी। बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर बर्डनड होती हैं हमारे ऊपर, बहुत लाइफ की डिफिकल्टीज होती हैं, तो धीरे धीरे जैसे वो आप जो सोने वाला प्रोसेस हो दैट इज एक्चुअली कई बार हमें समझ भी नहीं आता, ट्रांस भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है थोड़ी बहुत अवेयरनेस रहती है आसपास की और लेकिन हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, ठीक है। तो जब उस स्टेट में जाते हैं, हाँ वो अवेयरनेस अगर रहती है तो इसका मतलब ट्रांस होता है, वो ट्रांस yes, का मतलब थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस थी, मतलब मेरे को म्यूजिक पूरा सुनाई नहीं दे रहा था बट थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे कंप्लीट होता जा रहा था तब मेरे को आ रही थी सेंसेस। हाँ तो उसको ट्रांस में जाना कहते हैं, गहरे ध्यान में। कई बार मन बहुत व्यथित होता है ना दुनिया से, मैं आपको बताऊं जैसे दुख जो होता है ना किसी की भी लाइफ में, दुख या पेन होता है, वो एक बहुत बढ़िया चैनल होता है, बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग चैनल होता है मेडिटेशंस की डेप्थ में जाने का, स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में जाने का, उसके जैसे चैनल नहीं कोई होता है। क्योंकि यू नो खुशी ऊपरी हो सकती है लेकिन जो दुख होता है ना यहाँ से फील होता है गहराई से, तो वो चैनल वो दुख के चक्कर में ओपन अप होता है और कोई उस समय मेडिटेट करता है तो फिर गहरा
जैसे कोई मतलब बहुत दुखी होता है तो भगवान से बात करते तो सुनते हैं ना भगवान की, इमीडिएट कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। तो वो ही चीज मतलब लाइफ की जो भी चीजें होती हैं, टफ टाइम्स होते हैं, वो आपको इमीडिएटली जब कोई इंसान ऐसा इंसान ध्यान करने बैठता है तो एकदम से बहुत डीप में जाता है, डायरेक्ट कनेक्शंस बनते हैं। वो ट्रांस ही था आपका, है ना? एंड इट्स गुड। जब भी ट्रांस में जाते हैं तो बहुत सारी हमारी इंटरनल हीलिंग्स होती हैं, हमारी साइकिक पावर्स एनहेंस होती हैं। जितना ज्यादा हम लोग ट्रांस में जाते हैं उतनी हमारी साइकिक पावर्स ऑटोमेटिकली एनहेंस होती है। ट्रांस में जाने का मतलब है आप अपने ईगो को छोड़ पाए, आप अपने कॉन्शियस माइंड को छोड़ पाए, और जो साइकिक पावर्स होती हैं उनका मतलब, साइकिक पावर्स मतलब आपकी विजन, आपकी टेलीपैथी, सिक्स सेंस है ना? और वो कब होती हैं? वो डायरेक्ट तब वो सबकॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस माइंड से होती हैं, ठीक है? तो जैसे ही, लेकिन हमारा क्या माइंड का रूल क्या है कि जब तक कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब आपका लॉजिकल माइंड, ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड जब तक रोल प्ले कर रहा होता तब तक ये सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड आते नहीं है, ठीक है, सामने नहीं आते हैं। तो जैसे ही आप ट्रांस में जाते हो तो क्या होता है, ट्रांस में जाने का मतलब सीधा है आपका कॉन्शियस माइंड गया काम से, लॉजिक नहीं काम आता वहां पे। फिर उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, आता है। और जितना ज्यादा समय आप सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट में रहते हो उतना ही ज्यादा आपका यूनिवर्स का कनेक्शन बनता है। साइकिक पावर्स है आप जब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रोंग है, और उसके लिए सिंपल सा फंडा है, समझने की बात है कि हमें कॉन्शियस माइंड को छोड़ना है। कॉन्शियस माइंड छोड़ने का सिंपल सा तरीका ये भी है, ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग कुछ नहीं, छोड़ दो सब चीजों को, टाइम पे छोड़ दो, अपना लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। तो हम लोग ज्यादा सरेंडर में रहना शुरू हो जाते हैं, अपने आप से सबकॉन्शियस माइंड प्ले करना शुरू कर देते हैं, आपके इंट्यूशन और सब चीजें अपने आप से स्ट्रोंग होती चली जाती है, ठीक है? तो मतलब कहीं पर भी ओवर थिंकिंग बना हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो, उन सबको छोड़ देते चले जाना, तो आप और ज्यादा गहरे ट्रांस में और सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चलते चले जाएंगे, ठीक है? दैट वॉज लर्निंग फॉर यू, ओके। और नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली मतलब सी ये सब भी माइंड की चीजें होती हैं, सब इविल आई और नेगेटिविटी ये सब माइंड की चीजें होती हैं, माइंड कॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो जैसे ही कॉन्शियस माइंड ड्रॉप होता है ना, ये चीजें भी लाइफ से अपने आप कम हो जाती हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है सब के सब सिर्फ आपके इस कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे या अनकॉन्शियस माइंड के लेवल पे नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है? इसीलिए मेडिटेशन और ट्रांस में जाना और अच्छा होता है, ये चीजें अपने आप से ड्रॉप होती चली जाती है। जितना लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, नेगेटिविटी अपने आप से, लाइक जैसे जितना प्रकाश बढ़ाओगे अंधकार उतना दूर चला जाएगा, है ना? आप देखो मेरे, मुझे देखो इस टाइम, इस साइड से मेरे लाइट आ रही है, इस साइड नहीं है लाइट। अगर इस साइड एक लाइट लगा दूं तो ये जो अंधेरा शेडो इस तरफ दिख रही है चली जाएगी। करना क्या है, इसको ऐसे शेडो को नहीं हटा सकते, लाइट लगा सकते, नेगेटिविटी को हटा नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूँ, अभी श्वेता से भी जैसे बात होती है कि पीछे का जब तक सोचते रहेंगे तब तक आगे के लिए तो सोच ही नहीं पाएंगे ना। पास्ट इज नेगेटिविटी एक तरह से, है ना? तो आगे का सोचना है तो आगे के बारे में जब सोचेंगे तो ये अपने आप से कहीं रह जाएगा, फिर पास्ट के लिए टाइम कहाँ बचेगा जब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो, है ना? सेम वे ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में जाके अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएंगे तो अपने आप से ये सब इविल आई और ये सब चीजें ड्रॉप हो जाएंगी लाइफ से, जैसे कभी थी ही नहीं। हर चीज को हटाना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें अपने आप से सबसाइड और अपने आप से डिसअपियर भी हो जाती है। ये शेडो अपने आप से डिसअपियर हो जाएगी, हटानी नहीं पड़ेगी लाइट लगाते, है ना? सो दैट है, ओके। चलिए, ज्योति जी ने ड्यूरिंग ध्यान माई बॉडी स्टार्ट डूइंग, ये शायद उन्होंने जनरल अपना एक्सपीरियंस लिखा, माई बॉडी स्टार्ट डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग सम योगासन,
हाँ इट्स ओके ना. देखो ध्यान में मेडिटेशन में क्या होता है कि आप लोगों को हमने कभी क्लासेस में डिस्कस नहीं किया, एक कुंडलिनी शक्ति होती है हमारे, ठीक है, रूट चक्र से हमारे वो कुंडलिनी शक्ति ऐसे स्नेक जैसे क्वाइल करके बैठा होता है, ऐसे बैठी होती है, ठीक है, ऐसे होती है. अब सारी मेडिटेशन का पर्पज ये होता है कि कुंडलिनी शक्ति है जो यहाँ पर बैठी हुई है रूट चक्रा पे, ये उठ के धीरे 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 ऊपर तक आती, तो कहते हैं जागृत हो रही है, लाइक सोया हुआ है अभी स्नेक ऐसे है. और वो जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो वो धीरे 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 उठना और आपके सभी चक्रा के ऐसे स्पाइरल होता हुआ ऊपर आता है, ठीक है. तो जब ये आता है, अच्छा अब हमारे पास हमारे ऊपर उस समय बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है. तो जब भी आप हायर लेवल्स में जाते हो, आपकी एनर्जीज राइज करती हैं, तो क्या हुआ अभी तक आप पकड़ा हुआ था ग्रेविटेशन फोर्स में आपको एक डायरेक्शन, ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन है मान लो. अब अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन. तो जब भी हायर वाइब्रेशंस आप मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि आपकी एनर्जीज अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं आपको हायर ले जाने के लिए. तब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसे झुक रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं. मेरे सब ये भी बहुत होता था, आप लोगों के हर बात पे ही बोल देते हो आप, गुजरे हैं एक्सपीरियंसेस से तो गुजरे हैं. मतलब मेडिटेशन के टाइम ना मुझे ऐसे लगता था, मतलब मैं पूरा का पूरा ऐसे 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 होती चली जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कभी. और उस टाइम इतना गहरा ध्यान होता था, मतलब मैं आईज खोल के देख भी नहीं सकती थी खुद को कि मैं कहाँ तक ये टेढ़ी हुई हूँ या ऐसे ही दिमाग को लग रहा है. बट लिटरली मतलब ऐसे बैक में पूरा पुल आ जाता था. मुझे सच में आज तक नहीं पता चला कि वो एक्चुअल में होता था या सिर्फ माइंड का होता था. मतलब मैं पूरा टर्न हो जाती थी एंड इट यूज टू हैपन अ लॉट. बट विद प्रैक्टिस जैसे जैसे करते चले गए एक्सपीरियंसेस, ये टेढ़े वाला एक्सपीरियंस वो शॉक वाला एक्सपीरियंस, एंड धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस भी कम होना शुरू हो गया. शॉक वाला लेकिन कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, हो सकता है 10 साल के बाद कभी किसी को अचानक से फिर से शॉक लगे, क्योंकि कोई पार्ट ऐसा जो कभी भी मतलब जागृत होना रह गया होगा तो वो जागृत होगा, है ना. दैट वी कैन नॉट नो बिकॉज जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी. यू नेवर नो कि कितना उसके पार्ट्स और क्या कुछ हो सकता है, ठीक है. तो दैट इज वेरी मच नॉर्मल कि अगर ये होता है तो ओवर द टाइम दिस थिंग विल गो, इट्स वेरी मच ओके, ठीक है. तो वैसा होता है, नो इश्यूज. मतलब वो गहरे ध्यान का ही प्रतीक होता है कि आपका ध्यान लग रहा है, आप उस एनर्जी में जा रहे हो. अदरवाइज कोई नाटक करके अगर आइज बंद करके बैठा रहेगा ना, वो कोशिश भी करके ऐसे नहीं हो पाएगा. उसको लगेगा कि कोई और गलत नहीं सोच ले मेरे बारे में ना कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आइज बंद करके. वो बिल्कुल एकदम से आपको दिखेगा ऐसे स्टिफ बैठा हुआ, बिल्कुल हिलेगा तक नहीं. और जो बंदा ट्रांस में जाएगा ना, वो ट्रांस वाला बंदा ऐसे लुढ़क जाएगा. ट्रांस में जाते हैं जो लोग, बॉडी मतलब एकदम स्टिफ नहीं रह पाती है, लिम्स डाउन मतलब एकदम से ऐसे लुढ़क जाती है किसी भी तरफ, ऐसे भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है. इसीलिए मैं कहती हूँ ना, जब भी ध्यान लगाते हैं हम लोग, मेडिटेशन करते हैं कहीं पर कंफर्टेबल प्लेस पे बैठिए, पता चला थोड़ी देर के बाद गिर गए. सो दैट इज ठीक है. कल है ना हमारी क्लास, कल है. कल से हम लोग मैं आपको सिंबल्स तो उसमें भेज दूंगी ड्राइव में रिकॉर्डिंग, ठीक है. कल से हम लोग उनको मतलब यूज कैसे करना है, उनसे हीलिंग कैसे करना है वो करेंगे. फिर हम लोग सीखेंगे फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट कैसे करनी है, ठीक है. क्योंकि सेकंड लेवल में ही हम लोग सीख रहे थे फर्स्ट लेवल की अट्यूनमेंट करना. जो सेकंड लेवल के लोग होते हैं, सेकंड लेवल लामा फेरा में मास्टर लेवल कहा जाता है, ठीक है. तो मास्टर लेवल का मतलब है आप फर्स्ट लेवल को टीच कर सकते हो, सेकंड लेवल कंप्लीट होते ही आप लोग फर्स्ट लेवल को टीच कर पाओगे, ठीक है. ज्योति जी आपने वो मतलब नॉर्मली डेली का एक्सपीरियंस लिखा था या मतलब अट्यूनमेंट के टाइम का लिखा था. डेली का ओके. हाँ इट्स ओके, ठीक है. मेरे साथ बहुत समय तक हुआ है, इट्स ओके. लेकिन मेडिटेशन करना मत छोड़ना, इट्स ओके, लेट इट हैपन. एक लंबे समय के बाद मतलब मेरे साथ तो बहुत समय ऐसा रहा था, ये चीज अपने आप से वो हो जाएगी. कुछ
दूसरी बात, उस टाइम पेन होता है ना बैक में, तो उसके लिए क्या करना है, बैठना मुश्किल हो जाता है, ऐसा होता है कि आंखें खोल के पोजीशन चेंज कर ले। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन में खुद को बोलिए कि आई एम वेरी मच अफर्मेशंस, ठीक है, वर्क करती है, अपनी बॉडी को कमांड दो कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, रिलैक्स्ड। आप वो मेडिटेशन में जो भी कर रहे हो उसको छोड़ के 5 मिनट अपनी बॉडी को कमांड देना, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ठीक है। और आपका वो मतलब बैक में जो स्टिफनेस आती है ना, जो एकदम बहुत खिंचाव आता है, बहुत पेन से ही होता है कि अब बिल्कुल कैसे भी करके अकड़ जाती है एक्चुअली बैक उसमें, तो वो चीज। और थोड़ा सा ये भी है कि आपको थोड़ा सा और एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए, उससे इस चीज में लंबे समय तक बैठने के इसमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे, इंटेंशन करके बैठिएगा कि मैं कंफर्टेबली, मतलब जितना भी समय आप बैठे, आधा घंटा बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी हर्डल, बिना किसी ऑब्स्टेकल के आराम से बैठ पाऊंगी, ऐसा इंटेंशन करके बैठना, ठीक है। तो धीरे धीरे ये इंटेंशन भी वर्क करना शुरू हो जाएगी और ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इट्स एन ऑब्स्टेकल बेसिकली। तो अब आपके लिए प्रॉब्लम मतलब इंटेंशन के साथ बैठना कि मैं आराम से बैठ पाती हूँ, पूरा आधा घंटा मैं बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि वो इमिजिएटली फिर मेडिटेशन से तो ध्यान हट ही जाता है ना। तो आपको इंटेंशन करना है कि मैं आधा घंटा या जो भी जितनी देर भी आप बैठते हो, मतलब मैं ना उस टाइम जो इनका एक्सपीरियंस है उसके कारण ना आधा घंटा भी मुश्किल से बैठ पाती थी, और अभी मैं दो दो तीन तीन घंटे भी अगर मेडिटेशन में रहती हूँ ना, पता भी नहीं चलता है। तो बहुत मतलब ये चीजें विद टाइम आपका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्माइल कीजिए अच्छी सी, स्माइल करने से सब कुछ ही ठीक हो जाता है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल एंड कीप थैंक यू, स्माइलिंग, लव यू, बाय, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बाय, थैंक यू।